वेलकम टू माई स्टडी चैनल फ्रेंड्स, आर टूडेज टॉपिक इज अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग। दिस टॉपिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द जेके एस एस बी जॉब प्रिपरेशन। फ्रेंड्स, एज यू नो, वी आर प्रिपेरिंग वीडियोज एज पर द सिलेबस ऑफ जेके एस एस बी अकाउंट्स असिस्टेंट। सो फ्रेंड्स, दिस इज अवर 56th वीडियो। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर वन इज द प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट इन द टोटल कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ ए फर्म रिजल्ट्स इन टू डैश। I repeat the question, the presence of fixed cost in the total cost structure of a firm results into, here option A is financial leverage, B is operating leverage, C is super leverage and D is none of the above. Friends, here option B is the right answer, that is operating leverage. The presence of fixed cost is the total cost structure of a firm results into operating leverage. The presence of fixed cost is the total cost structure of a firm results into operating leverage. Friends, I am repeating the question two or three times for your better understanding. You know, you have to achieve your goal. The aim is to achieve our goal. So, we have a great need to revise these questions two or three times so that we might be able to tick the right option during our exam. ठीक है, हमारा एम यही है कि हमने जो है एग्जाम के दौरान राइट ऑप्शन टिक करना है। सो इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन वी विल रिवाइज दिस क्वेश्चंस टू और थ्री टाइम्स। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। लिस्ट वन, मोदी ज्ञानी मिलर अप्रोच। मोदी ज्ञानी मिलर अप्रोच, दिस इज ए। बी इज नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच एंड सी इज शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, डी इज फैक्टरिंग। दिस इज लिस्ट ए। लिस्ट टू इज कमर्शियल पेपर। फर्स्ट में क्या है? कमर्शियल पेपर। नेक्स्ट सेकंड में है वर्किंग कैपिटल। थर्ड में है कैपिटल स्ट्रक्चर एंड फोर्थ में है आर्बिट्रेज। हेयर आंसर इज फर्स्ट के साथ जाएगा फोर्थ, यानी कि फर्स्ट क्या है हमारे पास? फर्स्ट इज मोदी ज्ञानी मिलर अप्रोच, इसके साथ मैच होगा आर्बिट्रेज। ठीक है, आर्बिट्रेज जो है इसके साथ मैच होगा। सेकंड इज यू नो बी के साथ थर्ड मैच होगा। बी इज नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, इसके साथ थर्ड दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर। उसके बाद में है सी, सी के साथ फर्स्ट मैच होगा। सी इज शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट एंड फर्स्ट इज कमर्शियल पेपर। शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के साथ क्या मैच होगा? इसके साथ मैच होगा कमर्शियल पेपर। उसके बाद में डी, डी इज फैक्टरिंग। फैक्टरिंग के साथ ऐड होगा सेकंड, दैट इज वर्किंग कैपिटल। सो फ्रेंड्स, वंस अगेन मोदी ज्ञानी मिलर अप्रोच के साथ मैच होगा फोर्थ, दैट इज आर्बिट्रेज। उसके बाद में बी के साथ मैच होगा, बी है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, इसके साथ मैच होगा थर्ड दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर। उसके बाद में सी है हमारे पास शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, इसके साथ मैच होगा फर्स्ट दैट इज कमर्शियल पेपर एंड फैक्टरिंग के साथ मैच होगा सेकेंड दैट इज नेट सॉरी दैट इज वर्किंग कैपिटल। ठीक है, नेट ऑपरेटिंग यस, डी के साथ मैच क्या होगा? फैक्टरिंग के साथ डी के साथ मैच होगा सेकंड दैट इज वर्किंग कैपिटल। फैक्टरिंग वर्किंग कैपिटल, सो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉलोड कैपिटल बस्टिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉलोड इन कैपिटल बस्टिंग। हियर ऑप्शन ए इज कैश फ्लोज प्रिंसिपल, बी इज इंटरेस्ट एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, सी इज एक्यूरल प्रिंसिपल एंड डी इज पोस्ट टैक्स प्रिंसिपल। हेयर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दैट इज एक्यूरल प्रिंसिपल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉलोड इन कैपिटल बस्टिंग। हेयर आंसर इज एक्यूरल प्रिंसिपल। एक्यूरल प्रिंसिपल जो है वो फॉलोड नहीं करता है, यानी कि उसको जो है इज नॉट फॉलोड इन कैपिटल बस्टिंग। सो जो बाकी वाले ऑप्शन है वो जो है फॉलो करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉलोड इन कैपिटल बस्टिंग, अगर जो है एक्यूरल प्रिंसिपल फॉलो नहीं करता है तो
कौन से फॉलोड करते हैं? कैश फ्लोज प्रिंसिपल, इंटरेस्ट एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड पोस्ट टैक्स प्रिंसिपल, दीज आर फॉलोड इन कैपिटल बजटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज विद द शॉर्टेज ऑफ वर्किंग कैपिटल। सेकेंड इज, नेट वर्किंग कैपिटल इज द एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज। थर्ड इज, वर्किंग कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज सर्कुलेटिंग कैपिटल। हेयर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। सो इनमें से जो है कौन सा कंसिस्ट करता है करेक्ट स्टेटमेंट। सो यहाँ पे जो है, हेयर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई हैव नॉट रिटन अनदर ऑप्शन। हेयर फ्रेंड्स कौन सा है? सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। इट मीन्स फर्स्ट जो है वो फॉलो नहीं करता है, यानी कि फर्स्ट जो है वो क्या नहीं है, कंसिस्ट नहीं करता है, करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है वो। फर्स्ट वाली जो है वो स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। सो सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ इज करेक्ट स्टेटमेंट। सो सेकेंड क्या है, नेट वर्किंग कैपिटल इज द एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज, ये जो है करेक्ट है। नेक्स्ट इज, वर्किंग कैपिटल इज आल्सो नोन एज सर्कुलेटिंग कैपिटल, ये भी सही है, ठीक है। उसके बाद में फोर्थ जो है, फोर्थ यहाँ पे लिखा नहीं है। आई हैव रिटन ओनली थ्री ऑप्शन हेयर। सो इसमें जो है फोर्थ ऑप्शन भी जो है आएगा। सो फ्रेंड्स दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। विच वन इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हेयर ए ऑप्शन इज प्रॉफिट मैनेजमेंट, बी इज वेल्थ मैनेजमेंट, सी इज वैल्यू मैनेजमेंट एंड डी इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल बेनिफिट्स। फ्रेंड्स हेयर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, दैट इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल बेनिफिट्स। विच वन इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। सो मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल बेनिफिट्स इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सो प्रॉफिट मैनेजमेंट जो है वो इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, वेल्थ मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, उसके बाद में वैल्यू मैनेजमेंट भी इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, बट मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल बेनिफिट्स इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सो फ्रेंड्स हेयर इन क्वेश्चन नंबर, यू नो क्वेश्चन नंबर फोर, आई हैव रिटन वन टू एंड थ्री स्टेटमेंट्स हेयर। फोर्थ स्टेटमेंट इज, यू नो हेयर आंसर इज सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। सो फोर्थ स्टेटमेंट इज, वर्किंग कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज सर्कुलेटिंग कैपिटल, ठीक है, ये भी जो है सही है। जो थर्ड के बाद जो है फोर्थ आना था वो ये आना था कि वर्किंग, हाँ, वर्किंग कैपिटल इज आल्सो नोन एज सर्कुलेटिंग कैपिटल। फ्रेंड्स ये वाला जो ऑप्शन है ये भी सही है। सो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। ये छूट गया था, टाइपिंग एरर था मेरा ये। सो यहाँ पे जो फोर्थ था वो क्या था, वो था फोर्थ था, वर्किंग कैपिटल इज आल्सो नोन एज सर्कुलेटिंग कैपिटल। सो दिस इज आल्सो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फिफ्थ हो गया हमारा। सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन इज, बिजनेस प्लान डिजाइन टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव इज कॉल्ड। बिजनेस प्लान डिजाइन टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव इज कॉल्ड। हेयर ऑप्शन ए इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, बी इज ह्यूमन रिसोर्स फोरकास्टिंग, सी इज स्ट्रेटेजिक प्लान एंड डी इज कॉर्पोरेट डिवेलपमेंट प्लान। हेयर बिजनेस प्लान डिजाइन टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक प्लान। जो बिजनेस प्लान डिजाइन किया जाता है टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, ठीक है, जो भी ऑब्जेक्टिव जो है उसको अचीव करने के लिए कोई प्लान किया जाता है, जो बिजनेस प्लान, उसे क्या बोलते हैं, स्ट्रेटेजिक प्लान। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज, इन्वेंट्री इंक्लूड्स रॉ मटेरियल्स, फिनिश्ड गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस। सेकंड इज, इन्वेंट्री इज अ पार्ट ऑफ द वर्किंग कैपिटल। थर्ड स्टेटमेंट इज, इन्वेंट्री इज अ पार्ट ऑफ द वर्किंग कैपिटल। फोर्थ इज, इन्वेंट्री इंक्लूड्स गुड्स लाइकली टू बी परचेज्ड। हियर
ऑप्शन वन एंड टू, यानी कि स्टेटमेंट वन एंड टू इज द राइट आंसर। यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो कौन कौन सी है? फर्स्ट है इन्वेंट्री इंक्लूड्स रॉ मटेरियल्स फिनिश्ड गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस, ये सही है। उसके बाद में सेकंड जो स्टेटमेंट है दैट इज इन्वेंट्री इज अ पार्ट ऑफ द वर्किंग कैपिटल। सो फ्रेंड्स फर्स्ट एंड सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग फर्म्स मार्केट वैल्यू इज नॉट अफेक्टेड बाय कैपिटल मार्केट। अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग फर्म्स मार्केट वैल्यू इज नॉट अफेक्टेड बाय कैपिटल मार्केट, हियर आंसर इज एमएम हाइपोथेसिस। अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग फर्म्स मार्केट वैल्यू इज नॉट अफेक्टेड बाय कैपिटल मार्केट, हियर आंसर इज एमएम हाइपोथेसिस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग फर्म्स मार्केट, जो फर्म कौन सी है? फर्म है एमएम हाइपोथेसिस, जो फर्म है उसने कहा है कि मार्केट वैल्यू इज नॉट अफेक्टेड बाय कैपिटल मार्केट। ठीक है, नेक्स्ट इज विच वन रेफर्स टू कैश इन हाउ अंडर पे बैक पीरियड मेथड। विच वन रेफर्स टू कैश इन हाउ अंडर पे बैक पीरियड मेथड, हेयर ऑप्शन ए इज कैश फ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस, बी इज कैश फ्लो आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस। पहला वाला बिफोर है, दूसरे वाला आफ्टर है, थर्ड इज कैश फ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्सेस। देखो यहाँ पे जो है बिफोर डेप्रिसिएशन तो है ही, उसके बाद में एंड आफ्टर टैक्सेस जो है यहाँ पे, दिस इज द राइट आंसर। वंस अगेन विच वन रेफर्स टू कैश इन हाउ अंडर पे बैक पीरियड मेथड, हेयर आंसर इज कैश फ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 360 डिग्री मेथड लीड्स टू, हेयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 360 डिग्री मेथड लीड्स टू परफॉर्मेंस अप्रेजल, 360 डिग्री मेथड लीड्स टू परफॉर्मेंस अप्रेजल। फ्रेंड्स हमें रिवाइज करना ही पड़ेगा, वी कांट स्किप दिस टॉपिक बिकॉज दिस टॉपिक इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर आवर सिलेक्शन। अगर हमने जो है अपनी एम जो है उसको पाना है तो उसके लिए हमें ये जो टॉपिक है इसको रिवाइज करना ही पड़ेगा। 30 मार्क्स जो है बहुत ज़्यादा होते हैं, आपको पता है, पॉइंट जो है पॉइंट से भी हम जो है सिलेक्शन से रह जाते हैं। ठीक है, सो वी हैव टू रिवाइज दिस क्वेश्चंस प्रॉपरली। 360 डिग्री मेथड लीड्स टू परफॉर्मेंस अप्रेजल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट डिवाइडेड पॉलिसी, हेयर फर्स्ट स्टेटमेंट इज लीगल रिक्वायरमेंट्स प्ले एंड इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मुलेशन ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। लीगल रिक्वायरमेंट्स प्ले एंड इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मुलेशन ऑफ डिविडेंड पॉलिसी, बी इज द डिविडेंड पॉलिसी शुड बी फ्रेम्ड इन अकॉर्डेंस टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ शेयर होल्डर्स, सी इज ए स्टेबल एंड रेगुलर डिविडेंड कीप्स स्पेकुलेशंस अवे एंड प्राइस ऑफ शेयर्स रिमेन स्टेबल फॉर लॉन्गर पीरियड। हेयर ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, यानी कि सारे के सारे जो है वो सही हैं, तीनों बातें सही हैं। ठीक है, सो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेलिवेंट कॉस्ट इन कैपिटल बस्टिंग, हेयर ऑप्शन ए इज संक कॉस्ट, बी इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सी इज एलोकेटेड ओवर हेड्स एंड डी इज बोथ ए एंड सी। हेयर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, दैट इज ए एंड सी, यानी कि संक कॉस्ट और एलोकेटेड ओवर हेड्स इज नॉट ए रेलिवेंट कॉस्ट इन कैपिटल बस्टिंग। संक कॉस्ट और कौन सी? एक है यहाँ पे एलोकेटेड ओवर हेड्स, इज नॉट अ रेलिवेंट कॉस्ट इन कैपिटल बस्टिंग, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स व्हेन अप्लाइड टू प्रोजेक्ट, डिविजिबल प्रोजेक्ट्स इम्प्लाइडली एज्यूम्स दैट प्रोजेक्ट्स कैन नॉट बी टेकन इन पार्ट्स, बी इज एन पी वी इज लीनियरली प्रोपोर्शनेट टू पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट टेकन अप, सी इज एन पी वी इज एडिक्टिव इन नेचर। हेयर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, दैट इज बोथ बी एंड सी।
बी इज एन पी वी इज लिनियरली प्रोपोर्शनेट टू पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट टेकन अप एंड सी इज एन पी वी इज एडिटिव इन नेचर. सो हेयर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स व्हेन अप्लाइड टू प्रोजेक्ट. तो यहाँ पे कौन कौन सी बातें जो है वो क्या होगी, डिविजिबल प्रोजेक्ट इम्प्लाइडली एज्यूम्स दैट, ठीक है, डिविजिबल प्रोजेक्ट्स इम्प्लाइडली एज्यूम्स दैट, क्या क्या एज्यूम करते हैं वो, बोथ बी एंड सी, यानी कि एन पी वी इज लिनियरली प्रोपोर्शनेट टू पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट टेकन अप एंड एन पी वी इज एडिक्टिव इन नेचर. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट. लिस्ट वन इज कादम कार्ल जॉन डेविड. यहाँ पे लिस्ट टू में जो दिया है दैट इज सब्सिस्टेंस स्मिथ थ्योरी, सेकंड इज वेग फंड मैरी थ्योरी, थर्ड इज द सरप्लस डेविडसन वैल्यू थ्योरी एंड फोर्थ वन इज बार्गेनिंग रिकार्डो थ्योरी. सो हेयर आंसर इज ए के साथ मैच होगा सेकंड. ए क्या है हमारा, कादम. कादम के साथ जो है वेग फंड मैरी थ्योरी. फ्रेंड्स रिवाइज करना पड़ेगा तभी हमें लर्न होंगे. कादम इज वेग फंड मैरी थ्योरी. बी के साथ मैच होगा थर्ड. बी क्या है हमारा, कार्ल. कार्ल के साथ थर्ड दी सरप्लस डेविडसन वैल्यू थ्योरी, यानी कि कार्ल के साथ क्या आएगा, डेविडसन, ठीक है, डेविडसन या सरप्लस लगा लो आप, सरप्लस डेविडसन वैल्यू थ्योरी. और कादम के साथ हमारा आएगा वेग फंड मैरी थ्योरी, ठीक है. उसके बाद में जोन यानी कि सी, सी के साथ हमारा क्या मैच होगा, फोर्थ, दैट इज बार्गेनिंग रिकार्डो थ्योरी. एंड डी, डी मीन्स डेविड, डेविड के साथ क्या होगा, सबसिस्टेंस स्मिथ थ्योरी. सो फ्रेंड्स दिस इज द करेक्ट मैच. यहाँ पे हमें लिस्ट वन को लिस्ट टू के साथ मैच करना था. कादम के साथ आएगा हमारा बेग फंड मैरी थ्योरी, कार्ल के साथ आएगा द सरप्लस डेविडसन वैल्यू थ्योरी, जोन के साथ आएगा वार्गेनिंग रिकार्डो थ्योरी एंड डेविड के साथ आएगा सबसिस्टेंट स्मिथ थ्योरी. सो दिस इज द करेक्ट मैच. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट. हियर फर्स्ट ऑप्शन इज एन ऑप्शन इज अ क्लेम विदाउट एनी लाइबिलिटी. सेकेंड यानी कि बी इज द वेल्थ ऑफ ए फर्म इज डिफाइंड एज द मार्केट प्राइस ऑफ द फर्म स्टॉक. C is the maximization of profit is often considered as an implied objective of a firm. Here, option D is the right answer, that is all of the above. सारी की सारी जो statements हैं वो क्या हैं? Financial management के हिसाब से जो है वो सही हैं. कौन कौन सी हैं? इसने बोला है, which statement is true about financial management? Here, A is an option is a claim without any liability. The wealth of a firm is defined as the market price of the firm stock. And C is the maximization of profit is often considered as an implied objective of a firm. So here D, option D is the right answer. Next question is the basic objective of financial management is, here option A is maximization of profits. Here मेरे हिसाब से मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स होगा. बी इज प्रॉफिट प्लानिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड सी इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ. द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ. दिस इज द राइट आंसर. द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज Two mutually exclusive projects with different economic lives can be compared on the basis of. Two mutually exclusive projects with different economic lives can be compared on the basis of. Here option A is internal rate of return. B is profitability index. C is net present value. And D is equivalent annuity value. Here option D is the right answer. Two mutually exclusive projects with different economic lives can be compared on the basis of equivalent annuity value. So option D is the right answer. Next question is, which of the following term is used to represent the proportionate relationship between debit and equity?
Here option A is cost of capital, B is asset structure, C is capital bursting, and D is capital structure. Friends, here answer is option D, that is capital structure. Capital structure is used. Capital structure term is used to represent the proportionate relationship between debt and equity. So capital structure is the right answer. Next question is cost of capital from all the sources. Cost of capital from all the sources of fund is called. Here option A is specific cost, B is component cost, and C is implicit cost. Here friends, option B is the right answer, that is composite cost. Cost of capital from all the sources of funds is called composite cost. Cost of capital from all the sources of capital sources of funds is called composite cost. Once again, cost of capital from all the sources of funds is called composite cost. So friends, this is the right answer. So friends, thanks for watching this video. Today we have done 19 questions. The questions were most important questions for your selection. Friends, today we have completed this topic. So friends, if you are new on my channel, please subscribe my channel and press the bell icon to get all notifications of latest videos. Thanks for watching this video. Friends, prepare well, perform well. Friends, आपको मैं ये बात बताऊं कि अभी हम जो है सिलेबस के अनुसार ही वीडियोस बना रहे हैं. सो दीज वीडियोस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर सिलेक्शन. सो फ्रेंड्स, वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.